क्या कह रही थी तुम? कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं करती, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए वापस कह रही हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती जसबीर। और जहाँ प्यार नहीं होता ना, वहाँ ये सब गलत है जसबीर, बहुत गलत है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। बस 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 बस, बहुत बोल दिया। मानता हूँ कि तुम प्यार नहीं करती मुझसे, ठीक है, पर इज्जत तो करती हो ना मेरी? इज्जत? हाँ, इज्जत। नहीं, नहीं करती मैं तुम्हारी इज्जत, बिल्कुल नहीं करती। प्यार भी नहीं करती, इज्जत भी नहीं करती, शादी भी करना नहीं चाहती। ये नारियल दे दो, मन करता है ना इससे अपना सर फोड़ दूंगा। कहाँ जा रही हो? एक कहानी सुनाता हूँ, रुको रुको, कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। ये तुम जो मुझे प्यार नहीं करती, इज्जत नहीं करती, शादी करना नहीं चाहती, इससे ना मुझे कौन याद आता है पता है? मेरी माँ। मेरी माँ ना बिल्कुल ऐसी थी, मेरे पापा से प्यार ही नहीं करती थी, इज्जत ही नहीं करती थी, शादी भी नहीं करना चाहती थी। पर एक बार शादी हो गई, उसके बाद दोनों के बीच में क्या प्यार हुआ, ओए होए होए होए, कितना प्यार करने लगी मेरी माँ मेरे पापा से। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे पापा एक तरफ, मेरे बाप के लिए अपनी जान भी दे सकती है, इतना ज्यादा प्यार, शिद्दत वाला प्यार। What is the moral of the story? एक बार तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम मुझे प्यार, इज्जत सब कुछ करने लगोगी। अरे बे इंतहा मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। नहीं होगी तो मैं सिखाऊंगा कैसे होती है, सब सिखा दूंगा तुम्हें। जसबीर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूं? तुम नहीं समझ रही हो यार, तुम नहीं समझ रही हो, मेरी माँ का एग्जाम्पल भी दिया, तुम नहीं समझ रही हो। रख के अपने तुम्हारी माँ को पकड़, नहीं समझ रहा ना? हाँ सुन, अरे भाई वीडियो कॉल करना है यार, क्या बता रहे हैं मुझे, वीडियो कॉल कर। रिक्शा, रिक्शा। पंडित जी, शर्मा जी मंत्र चालू रखिए, वरना आप में शर्म नहीं रखूंगा। नहीं नहीं, कोई शादी नहीं होगी पंडित जी, आप जाइए यहाँ से, कोई शादी नहीं होगी, आप ही कोई। रिक्शा, सेक्टर 55, रिक्शा। सासु माँ, हाय करो। सेक्टर 55, रिक्शा। कोई रुक क्यों नहीं रहा है? नहीं नहीं नहीं, माँ माँ। म्यूट पे था, तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनाई दी होगी। तो बोलो क्या करना है, शादी करनी है या फिर माँ को अलविदा करें? मैडम सेक्टर 44 आपको पता है क्या? 44 तो नहीं पता। यार कौन है? छोड़ो। देखो अगर तुमने कोई भी नाटक किया तो मेरे एक ही इशारे पे मेरा आदमी तेरी माँ को न जान से मार देगा। नहीं नहीं नहीं, माँ को जिंदा रखना चाहती हो? हाँ। जिंदा रखना चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मरे? नहीं, नहीं ना, शादी करोगी? जसी, जसी, प्लीज। शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, चलो आओ शादी। नहीं जसी, प्लीज प्लीज, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरी माँ को कुछ मत करो। अरे मुझे तुम्हारी माँ का क्या करना है यार, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मेरे होने वाली सासू माँ है, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। पर देखो देखो अगर तुम प्यार से मान जाती हो तो कोई तुम्हारी माँ का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पर अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारी जो माँ है ना, माँ, उसके ना सर पे एक बाल भी नहीं बचेगा।